हेलो एंड वेलकम टू टाइम एडुसर्व। इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एंड उसके बाद हम दोनों एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कितना दोनों में डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एक्सियल पॉइंट। सो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। सो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्सियल लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास ये वाई एक्सिस है। फिर वाई एक्सिस विल बी एज अ इक्वेटोरियल लाइन, ओके, एंड एक्स एक्सिस विल बी एज अ एक्सियल लाइन। ओके, सो दिस इज एक्सियल लाइन, दिस लाइन इज एक्सियल लाइन, दिस इज एक्सियल लाइन। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को प्लेस करना होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक चार्ज को रखा माइनस क्यू और ये चार्ज ए डिस्टेंस से होगा ओरिजिन से, अगर हमने ओरिजिन को रेफरेंस लिया है यहाँ पे, और यहाँ से एग्जैक्टली ए डिस्टेंस पे हम दूसरे चार्ज को प्लेस करेंगे, दैट इज पॉजिटिव क्यू। अब ये हमारा डाइपोल सिस्टम बन गया और इसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे, सपोज ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दोनों चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पॉइंट पी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होगा। देखेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण और पॉजिटिव चार्ज के कारण, पहले हम देखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू के कारण होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी डायरेक्टेड अलोंग द राइट ऑफ द एक्स एक्सिस और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विल बी अलोंग डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पहले दोनों चार्ज को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दोनों को फैक्टोरियली ऐड करेंगे। हम देखें पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं के क्यू बाई, अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव चार्ज का, इससे ऑरिजिन से दूरी हमारा ए है, हमने ए डिस्टेंस लिया है और हम जो ये पॉइंट पी लेंगे इसके लिए रेफरेंस हम सेंटर ऑफ डाइपोल को मानेंगे, ये हमारा सेंटर है डायपोल का। तो यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम कंसीडर करेंगे ने इस पॉइंट को, मान लीजिए ये आर डिस्टेंस है सेंटर से किसी आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये पी पॉइंट जो है पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूरी पे है और निगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पे है। निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ये होगा इसका और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ये होगा, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का ये होगा माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिए ये ए और यहाँ से आर, इसे हम लिख सकते हैं आर प्लस ए सिमिलरली, और ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा वो हम लिख सकते हैं आर माइनस ए, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस आर, इसमें से ए को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ का दूरी मिलेगा। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन हम यहाँ पे क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे मान लीजिए आर वेक्टर जो कि इस तरफ इशारा कर रहा है और यहाँ ये आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर हो जाएगा जो कि लेफ्ट ओर इशारा कर रहा है, डायरेक्टेड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हो गया हमारा। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इस पर ये माइनस आर वेक्टर, ठीक है, ये जो इसका डायरेक्शन होगा इस पर ये इसके अपोजिट होगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अच्छा है, ओके,
तो आप देखें इसमें से हम क्या करेंगे, के क्यू और आर कैप डायरेक्शन को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन ये है तो इसका बस निगेटिव होगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है. सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं के क्यू आर कैप. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आपको लेना है आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर. ओके, इसी को हम आगे यहाँ प्रोसीड करते हैं. इज इक्वल टू के क्यू आर कैप करें सॉल्व, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाई. अब यहाँ देखिए r माइनस ए का होल स्क्वायर है इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक टर्म में. हमने लिखा r माइनस ए मल्टीप्लाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्लोज. सो के क्यू आर कैप, अभी यहाँ नेगेटिव आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो ए स्क्वायर कैंसिल, और ये 2ar जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा प्लस 4ar. और नीचे हम ये r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये r माइनस ए मल्टीप्लाई आर प्लस ए कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर. अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, k को बाहर रखते हैं, अभी q मल्टीप्लाई 4a का 2a को कंसीडर करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2r इंटू आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने कंसीडर किया है q इंटू 2a, आपने इस एक्सप्रेशन पढ़ा है, इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं. तो फाइनल हम जो लिखेंगे इसका अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इज इक्वल टू के पी वेक्टर इनटू 2r आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस no it's fine so here we write now r square minus a square का whole square. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं k यानी 2k p, क्योंकि ये r vector और इस vector का r unit vector जो आपने लिया है जो electric field direction और ये जो magnet ये जो dipole moment है इसका भी direction इसके along ही होगा, क्योंकि आप देखेंगे net electric field जो यहाँ पे निकल के आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके नजदीक है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज के कारण ज्यादा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज काफी दूर है पॉइंट पी से. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन की ओर ही होगा, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यही डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम इसको ऐसा करके लिख सकते हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, देखें 2kp इनटू r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर r वेक्टर, ठीक है. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है एक्सियल लाइन पे. यहाँ पे आप एक स्पेशल केस देखेंगे, स्पेशल केस ये है कि अगर इफ कंडीशन है, इफ ये आर डिस्टेंस जो आपने लिया है सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर ये बहुत ही बहुत ज्यादा होगा,
डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल से डाइपोल के बीच के दूरी से आर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो ए विल बी वैनिश्ड, आर के सामने में ए खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन अब हम इस केस में जो लिखेंगे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा हमारा 2 kp r / r4, क्योंकि r स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर r4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू डायरेक्शन वेक्टर r क्या। ओके, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट जो हमें मिला, ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट जो मिला वो हम इसे लिख सकते हैं। अब ये r कैंसिल करके यहां पे 3 कर देगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 kp / r³, this is direction vector and direction will be along positive x axis। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे 2 kp / r³। अगर आप ये कंडीशन को प्रिफर करें तो अगर r डिस्टेंस a डिस्टेंस से काफी ज्यादा होगा तो, या अगर जनरल एक्सप्रेशन का बात करेंगे तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है 2 kp / r² - a² का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये जो y एक्सिस है इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे और इस लाइन के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया है किसी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो आप देखेंगे पॉइंट P पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के वजह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना हो रहा है, निगेटिव चार्ज के कारण देखेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे वेक्टोरियली और फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट एंड पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हैं और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ना कहीं इधर होगा, ये रिजल्टेंट होगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिजल्टेंट होगा। इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं, यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज आप रखोगे तो ये इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इन दोनों को क्या करना है रिजल्ट इसका निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मान लेते हैं एक एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं और इसे भी एंगल थीटा कहते हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो दैट्स व्हाई दिस विल आल्सो थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये थीटा हमने कंसीडर किया, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलावा जो हम लिख सकते हैं E प्लस साइन थीटा और एक होगा इस लाइन के अलोंग E प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली E माइनस का एक कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलोंग जो कि होगा ये E माइनस साइन थीटा और एक कंपोनेंट इधर होगा E माइनस कॉस थीटा। आप देखें कि ये जो E प्लस है और E माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वो हम देखते हैं कैसे इक्वल होगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगी, अब ये बस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा k q / r² अब ये r क्या है r हमारा है ये पॉइंट, अब इसको ये तो r पॉइंट तो हमें r एक्चुअली जो पॉइंट डिफरेंस दिया रहेगा आपको कि कितने पॉइंट में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज के कारण आप डिस्टेंस लोगे वो डिस्टेंस हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज से पी का दूरी, मतलब अगर हमने इसे बी पॉइंट कंसीडर किया है तो बी पी का लेंथ और निगेटिव चार्ज से ए पी का लेंथ, तो बी पी का लेंथ जो होगा ये जो बी पी लेंथ होगा BP को हम क्या लिखेंगे ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये,
इसका होल ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही चीज होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन मान लीजिए, डायरेक्शन तो नहीं लिखना हमको क्योंकि बस मैग्नीट्यूड निकालना था, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपल के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और उसी तरीके से ई निगेटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा हो जाएगा के क्यू बाई वही, क्योंकि देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट का सेम है उस पॉइंट से, तो ये भी हम नीचे यही लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जब मैग्नीट्यूड अगर दोनों का सेम है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट पी पे ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये और ये कैंसिल आउट कर देगा, तो इस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो इसके एक्स कंपोनेंट के कारण और इसके एक्स कंपोनेंट के कारण लिखेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज का वाई कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का वाई कंपोनेंट, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आप देखें ये दोनों से कैंसिल कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन ऑब्वियसली जो टोटल डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इस पर्टिकुलर केस में जो हमने कंसीडर किया है वो होगा पैरेलल टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये हम इसे लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2e cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे e cos थीटा लिखेंगे आप, यहाँ भी e cos थीटा लिखेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 2e cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए हम r कैप लिख देते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी वेक्टर से, आर कैप लिया कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आर कैप बस आप पी कैप लिखें ज्यादा बेहतर है, आर यहाँ पर डिस्टेंस है तो आर कैप यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं होगा। इस पॉइंट पी से पी कैप हमने लिया है इस तरफ, ये हमारा डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पुट कर देना है और कॉस थीटा का वैल्यू डाल देना है, तो हमें निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो कॉस थीटा पहले निकाल लेते हैं, बट कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, देखिए क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू, ये बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस की जगह पे आप ए लिखेंगे, ए बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फटाफट आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे और सॉल्व कर दीजिए, तो टू इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू ए बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा टू के क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू, और ये डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे टू क्यू इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू के इंटू टू क्यू इंटू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर ये वन बाई टू, थ्री बाई टू हो जाएगा ऐड करके, और फाइनल पी वेक्टर। आप इसको पी लिख सकते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू के
पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 ई वेक्टर, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड अलोंग, इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो इस फिगर में हमने कंसीडर किया है, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लेते नेगेटिव लेते तो फिर डायरेक्शन आपका बदल जाता, तो जो आप कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे केस हमें लास्ट ऑफ बस कंसीडर करना है कि इफ, यहाँ पे केस लेते हैं हम, ये हमारा क्या है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, अगर आर डिस्टेंस इससे इससे बहुत ज्यादा है तो ए विल बी वैनिश्ड आउट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial point can be written as k p pi r cube। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब फटाफट हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है दोनों को कि दोनों में कितना, सो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये हमारे पास आया था 2 के पी बाय आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हमने निकाला है के पी बाय आर क्यूब। सेकेंड अब दोनों को डिवाइड कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 के पी बाय आर क्यूब बाय के पी बाय आर क्यूब। के पी कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 2। सो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ट्वाइस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हमारा फाइनल कंपैरिजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हमेशा ज्यादा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट से,